एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा, ठीक है, आज अपना ये डिस्कस करने वाले हैं, समझना, बहुत मस्त चीज़ है, राइट। आपके हिसाब से अक्षय क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होना चाहिए, व्हाट्स एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास? एब्स्ट्रैक्ट इज अ कीवर्ड, कीवर्ड, ठीक ठीक है, देखो अगर हम इसको यहाँ देते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेमो, ठीक है, डॉट जावा, ओके, जैसे क्लासेस होती हैं वैसे ही क्लास ये है, इसमें कोई अलग अंतर नहीं है, ठीक है। इंटीजर या कुछ भी समझो, ए, अब यहाँ पे वॉइड फंक्शन, ठीक है, अब ये हो गया एंड वॉइड फंक्शन टू। अब फंक्शन वन में कुछ करना है, ठीक है, ओके, तो लिख दिया। अब फंक्शन टू में कुछ करना है लेकिन मुझे अभी पता नहीं है, या अभी मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, या बाद में कुछ करूँगा, ठीक है, तो इसका क्या किया, इसको क्या करेंगे कि सिर्फ ये डिक्लेयर हुआ ना, असाइन नहीं हुआ ना, तो व्हाट इट मींस, दिस फंक्शन, राइट, इज अ पार्ट ऑफ दिस क्लास बट नॉट येट डिसाइडेड व्हाट टू डू विद दिस थिंग। समझ में आ रहा है? सो व्हाट इट वुड बी, याद आ रहा है कुछ? हाँ, याद तो है, क्या ऐसे तो बोलेंगे? याद है मेरे को, इसको फंक्शन प्रोटोटाइपिंग, हाँ, प्रोटोटाइपिंग, लेकिन क्यों? अब इसका कुछ ताकि डिसीजन इसको नहीं लिया, बाद में अलग यूज कर सके, अलग अलग हाँ, तरीके से, अलग अलग ठीक है ना। क्लास को नाउ एक्सपेंड अब कर ध्यान से सके। देखना, ओके, यहाँ पे क्लास एब्स्ट्रैक्ट डेमो, राइट, ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एआरजीएस, ओके, डेमो डी इज इक्वल टू न्यू डेमो, ओके, आपके हिसाब से सब सही है? कुछ गड़बड़ी लग रही है इसमें? कुछ गड़बड़ी है क्या? फंक्शन अपन ने वो पूरा अच्छी तरह नहीं किया तो क्या होगा, कंपाइल करूंगा तो देखो, राइट। नाउ हमने टेक्निकली कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन ये एरर देखो क्या रहा है, मिसिंग मेथड बॉडी और डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट, मतलब आपने अगर कुछ लिखा नहीं, व्हेन यू डिडंट मेंशन हियर, नाउ इफ आई करेक्ट इट, देखो तो अब एरर नहीं देगा। नाउ इफ आई करेक्ट दिस थिंग, दिस इज अ सिस्टम, राइट, आई एम कॉलिंग इट, कॉपीड इट एंड पेस्टेड इट, ठीक है। नाउ सी, दिस इज व्हाट फंक्शन टू, नाउ रियली सी, इफ आई कंपाइल इट, सो देयर इज नो एरर। अब समझो ध्यान से, क्या किया था, ये कुछ भी गड़बड़ नहीं थी, पहले लिखा था हमने, क्लास बनाया, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट, इसका इंस्टेंस वेरिएबल बनाया, इंस्टेंट मेथड बनाया, इंस्टेंट मेथड बनाया, एक इंस्टेंट मेथड को डिक्लेयर कर दिया कि इसका काम क्या है, ठीक है, दूसरे को डिक्लेयर करना नहीं, सिर्फ डिक्लेयर किया, इसकी बॉडी नहीं बताई, मैंने अभी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसको बाद में डिसाइड करूंगा या बाद में इसके बारे में डिटेल डालूंगा, जो भी। तो अब जैसे ये हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन हो गया एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट, लिखा नहीं ना मैंने पीछे कुछ भी, मैंने नहीं लिखा, बट इट बिकम्स ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट, वही तो एरर दिया कि ये एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर आप डिक्लेयर नहीं, डिफाइन नहीं करते हो, डिक्लेयर करते हो, तो यहाँ पे अपने आप ही एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है, हम लगाए या ना लगाए। अब ये जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया, राइट, तो ये क्लास आल्सो बिकम एन एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, क्लास भी अपने आप एब्स्ट्रैक्ट हो गई, हमने लिखा कि नहीं लिखा उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका बिहेवियर हमने वैसा कर दिया, राइट, बिहेवियर समझते हो, बताया था ना, बिहेवियर ऑफ फंक्शन, तो जब आप फंक्शन डिफाइन कर देते हो तो बता देते हो कि इसमें ये काम करना है, लेकिन जब आप डिफाइन नहीं करते हो, जब आप डिफाइन नहीं करते हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसको सिर्फ अभी सोचा है, अब ये होगा डिक्लेरेशन, राइट, इसको खाली डिक्लेयर हुआ, तो डिक्लेयर हुआ तो भाई ये मतलब इनकम्प्लीट हुआ, टेक्निकली, टेक्निकली आधा हुआ ना, राइट, तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब बहुत सारे निकलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जब मेथड हमारा इनकम्प्लीट हो, राइट, तो वो क्लास का, जिस क्लास में वो ऐसा मेथड होगा तो क्या होगा, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी, तब उसका जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो इस तरह से आप एरर पाओगे कि भाई दिस इज व्हाट समथिंग एम, राइट, डेमो इज एब्स्ट्रैक्ट, कैन नॉट बी इंस्टेंटियल, यानी जब क्लास में मैंने एब्स्ट्रैक्ट लगा दिया, अब इसको हटा देता हूँ, देखो, ठीक है, अब हटा देता हूँ, फिर कंपाइल करता हूँ, अब देखो क्या आया, डेमो इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड फन टू, अब इसको भी हटा देता हूँ, देखना ध्यान से, राइट, खाली एरर बदल जाएंगे,
एरर बदल रहे हैं, देखो मिसिंग बॉडी और डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट, यानी अगर आप लिख रहे हो ऐसे भाई, ये तो या तो डिक्लेयर कर दो पूरा बॉडी दे दो, या इसको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर लो, ठीक है मैंने वही तो बोलो ऑटोमेटिकली आ जाता है, लेकिन किसी को पता नहीं हो तो उसको ये बोलेगा ना भाई इसको एब्स्ट्रैक्ट लगाओ आगे, समझे। चलो अभी लगा दिया, सेव किया, कंपाइल करते हैं, ओके अब ये हो गया। अब दूसरा एरर दे रहा है भाई, डेमो इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट। अब क्योंकि ये तुमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड दिया है और ये तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, तुमने नहीं डिक्लेयर किया है, तो ये तो ओवरराइड नहीं कर सकता, तो इसको इसके आगे भी एब्स्ट्रैक्ट लिखो। तो ये हम करते जा रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं, अब क्या बोल रहा है, हाँ अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास आ गया है तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, ऑब्जेक्ट इंस्टेंटिएट नहीं हो सकता, ध्यान से देखो इंस्टेंटिएट। अब मैं इसको डिक्लेयर जरूर कर सकता हूँ, देखो ये चलेगा बेटा, ऑब्जेक्ट वही तो समझने वाली चीज है अभी, देखो कॉल नहीं कर रहे। अब देखो इसमें एरर नहीं आएगा, नाउ सी यू सी देयर इज नो एरर व्हेन आई एम डिक्लेयरिंग, व्हेन आई एम इंस्टेंटिएटिंग इट न्यू डेमो। तो इसका मतलब क्या है, मैं इसको इंस्टेंटिएट कर रहा हूँ, याद है ना मैंने आपको बताया था तीन लेवल होती है, तो डिक्लेरेशन में कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन अब इसको रियल लाइफ से समझेंगे। अब ये माइनस पॉइंट नहीं है, ये प्लस पॉइंट भी हो सकती है। अब देखो समझो इस तरह से, इफ आई डिक्लेयर, इफ आई शो यू समथिंग लाइक दिस, कोई एग्जांपल लेते हैं, एक क्लास, चलो लेट मी हैव अ क्लास, इस क्लास को हम नाम देते हैं फोन, ये क्लास है फोन की, ठीक है। फोन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, कॉल, ठीक है, और सेव, सेव कॉन्टेक्ट, है ना, और भी सोचो क्या क्या हो सकते हैं, हो सकता है कॉल हो सकता है, सेव कॉन्टेक्ट, मैसेज कर सकते हैं, मैसेज सर, इंटरनेट, यूज इंटरनेट, ठीक है, ओके टेक पिक, ओके ये क्या होंगे, ये सारे एक फोन के हो सकते हैं ना फीचर्स, राइट। इस क्लास को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब आप सोचो ये सारे के सारे एक फोन के फीचर्स मैंने रखने की कोशिश, लेकिन हम जब बना रहे हैं उस टाइम पे जब फोन बहुत पुराने थे, सिर्फ सब कॉल होते थे, तो डेवलपर ने क्या सोचा, यार फोन अभी जो है, अभी हमारा जो फोन है, ठीक है, वो कॉल कर सकता है, ठीक है, हमारा जो अभी जमाने वाले, पुराने जमाने वाले जो फोन थे, राइट, अभी हमारे स्मार्टफोन है, लेकिन पहले कॉल तो होता था, सेव भी कर सकते थे, सेंड मैसेज भी कर सकते थे, तो ये फंक्शन तो क्या है, इन्होंने डिफाइन भी कर दिए, लेकिन उसने सोचा यार आगे जमाना आएगा, इंटरनेट भी यूज होगा, पिक्चर भी ली जाएगी, लेकिन मैं इसको डिक्लेयर जरूर कर देता हूँ कि ये मेरा आइडिया है कि ये भी होना चाहिए आगे, है कि नहीं। तो अब इसने क्या किया, इन तीनों का तो क्या कर दिया, इन तीनों को बॉडी बना दी, बॉडी इन तीनों की बना दी, भाई कॉल भी होगा, मैसेज सेव कॉन्टेक्ट भी होगा, मैसेज भी होगा, लेकिन इंटरनेट कैसे यूज करेंगे अभी मेरे दिमाग में नहीं है, लेकिन हम करेंगे, विल डू दैट थिंग, कुछ ना कुछ करेंगे आगे जाके। तो फिर कोई और फोन वाला आएगा, जब फोन आया स्मार्टफोन, फोन से स्मार्टफोन इसको एक्सटेंड किया जाएगा, ठीक है, दूसरा जब आया क्लास, राइट, इसने इसको एक्सटेंड किया, ठीक है, ये क्या होगा, ये हो गया स्मार्टफोन। अब ये स्मार्टफोन जब आएगा तो ये स्मार्टफोन जो बनेगा, राइट, ये किसमें से एक्सटेंड हुआ, फोन में से, तो ये भी क्लास हो गई। अब ये इसमें से एक्सटेंड है इंटरनेट और पिक, राइट, यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों के दोनों यहाँ पे डिक्लेयर हो, ये डिफाइन यहाँ होंगे, यहाँ क्या लिखा जाएगा, यूज, यानी समझो लिखा जाएगा यूज इंटरनेट, जो भी आगे इसका पब्लिक वगैरह होगा, लेकिन साथ में इसकी डेफिनेशन दी जाएगी, राइट, इसकी बॉडी लिखी जाएगी यहाँ पे कि ये कैसे यूज करेगा, है ना। तो क्या हुआ, यूज इंटरनेट कहाँ डिक्लेयर है, डिक्लेयर तो यह है, लेकिन डिफाइन कहाँ हुआ, हाँ। तो अब आप देखो कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे स्मार्टफोन का, तो इसमें ये सारे भी चीजें होंगी। अच्छा, अब आपको मैंने ये भी बताया था, वी कैन अपकास्ट द थिंग, हम फोन से भी, हम फोन का रेफरेंस देके स्मार्टफोन से, अगर ऐसा करूं मैं, राइट, फोन, माय फोन इज इक्वल टू न्यू स्मार्टफोन, ये भी तो कर ही सकता हूँ, ठीक है ना। तो इनडायरेक्टली मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया, फोन का ऑब्जेक्ट बनाया, उसको बता दिया स्मार्टफोन, फोन का ऑब्जेक्ट बना के बनाया, उसको बताया स्मार्टफोन, याद है ना, ये हमने क्या था, अपकास्टिंग, राइट, तो फोन से बना पा रहे हैं। तो अब आप थोड़ा बहुत समझे होंगे, चलो अब इसकी थ्योरी भी देखते हैं, राइट, जैसे मैंने आपको बताया इसको, हाँ बोलो, डाउट बोलो, तो
abstract class का main purpose ये होता है कि अभी हमने नहीं सोचा है तो abstract रख दें इसको, बाद में सोचेंगे, ऐसा ही है ना मतलब? abstract class का मतलब ये है कि ऐसा भी कह सकते हैं, abstract का मतलब incomplete, मैंने बोला ना, kind of incomplete, right? लेकिन इसको जब inherit किया जाएगा दूसरे class में तो ये क्लास तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगी क्योंकि आपको यहाँ ओवरराइड तो करना ही पड़ेगा। चलो आपने एक ओवरराइड किया, टेक पिक का नहीं किया, सपोज आपने टेक पिक अगर आपने नहीं किया यहाँ पे तो पता है दिक्कत क्या होगी, एक और ये भी एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये भी एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी फिर अगर आपने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया तो, डिफाइन नहीं किया तो, क्योंकि ये यहाँ भी आया और इसका डेफिनेशन अभी भी नहीं किया तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो आपको दोनों चीजें यहाँ, अच्छा इसके बाद सोच रहे कि मैं यहाँ पे अभी आगे फोन ऐसा कुछ करेंगे भाई जिसमें प्ले म्यूजिक भी हो, है ना, तो यहाँ सोचा तो फिर ये एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी, फिर आप उसको आगे फर्दर लेवल पे ले जाओगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है फिर इसके, इसका जो है फोन का, अब देखो फोन आपका बेस क्लास है, ठीक है, सुपर क्लास हो गया ना हमारे लिए, तो सुपर क्लास का जो है हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं यानी इंस्टेंटिएट कर रहे हैं थ्रू द डिराइव क्लास, या सब क्लास वो कर ही सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा भी समझ सकते हो और ऐसा भी समझ सकते हो, कुछ कॉमन चीजें, जैसे कॉमन चीजें एक एनिमल क्लास है, एनिमल क्लास है, ठीक है, एनिमल क्लास है, इसके अंदर कुछ फंक्शन है, जैसे अगर मैं बोलूँ कॉमन फंक्शन है कि हर एनिमल ईट कर सकता है, खा सकता है ना, ये फंक्शन हुआ ना, ईट इज नथिंग बट अ फंक्शन, ये इसका फंक्शन होगा एनिमल का। तो अब ये इसको अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, क्यों एब्स्ट्रैक्ट कर रहा हूँ सोचो, क्योंकि हर एक एनिमल, क्योंकि हर एक एनिमल जो है ईट तो करेगा ही करेगा। दूसरा अगर मैं इसको करूंगा, इसको मैं अगर करूंगा अगेन डॉग, ठीक है, क्लास डॉग एक्सटेंड एनिमल, तो ये बताओ अब ये डॉग भी तो खाता ही है, खाता है कि नहीं खाता है, तो मैं वापस यहाँ पे जब लिखूंगा वॉइड ईट, ठीक है, तो यहाँ बता ही सकता हूँ कि डॉग क्या खाएगा, है ना, राइट। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एनिमल क्या खा रहा है, इधर बता सकता हूँ क्या वो डॉग क्या खाएगा, या इधर बता सकता हूँ कि टाइगर क्या खाएगा, रैबिट क्या खाएगा, तो जितने भी एनिमल हैं सब लोग खाते हैं, तो मुझे इसके यहाँ डिक्लेयर कर दिया, यहाँ ओवरराइड कर दिया, कॉमन हो गया ना। नहीं, आप इसको ऐसे समझो कि मैंने क्या बोला, इनकम्प्लीट पार्ट है। अब आप देखो, अब एक और चीज सोचो, चलो एक और बताता हूँ, व्हीकल, व्हीकल भी है। अब मुझे बताओ व्हीकल में कॉमन चीजें, जो सभी व्हीकल्स में कॉमन चीजें क्या है, व्हील्स, बिल्कुल सही बोले, और व्हील्स में चलो ठीक है एक ले लेते हैं। अब आप उसमें डिक्लेयर कर लो कि कितने व्हील्स होंगे भाई, ये वाइड व्हील्स ले लिए, इसका काम क्या होगा, इसमें कितने व्हील्स हैं, क्या मैं लिख सकता हूँ टू व्हील्स, चार भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, ठीक है, राइट। अब ये सोचो, लेकिन ये पक्का है कि व्हील्स होते होते हैं, व्हील्स का कुछ फंक्शनलिटी होता है, पक्का है ना। तो अगर आपको मैं बोलूं, जो याद करो मैंने बताया था, जितना रिडंडेंसी करो, डुप्लीकेशन कम करो, डुप्लीकेशन कम करो तो क्या होगा आपका, जितना डुप्लीकेशन कम होगा डेटा उतना ईजी रहेगा, इंडेक्सिंग अच्छा रहता है, फाइंड में अच्छा रहता है। तो जो कॉमन फीचर है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डाल दो सारे। अब जो भी एनिमल आएगा, हर एक एनिमल ईट करता है, उसमें पता चल जाएगा, ईटिंग का सब देना है, ईटिंग का मुझे यहाँ देना है, और टेस्ट, अभी फ्रूट्स है, फ्रूट्स क्या होता है, फ्रूट्स की एक क्लास है, तो फ्रूट्स में क्या होगा, ठीक है, वॉइड टेस्ट, एवरी फ्रूट हैज अ टेस्ट, सबका सेम होता है ना, ना। तो जो कॉमन चीजें हैं, राइट, कॉमन फीचर्स को आप इसमें एब्स्ट्रैक्ट कर दो, फिर आप उसको एक्सटेंड करो भले, राइट, जैसे क्लास एप्पल एक्सटेंड फ्रूट्स, ठीक है, फिर इसके अंदर आप बनाओ भाई इसका टेस्ट जो है वही टेस्ट, इट इज स्वीट, लिख सकते हैं इधर ये एसओपी में, ठीक है, एसओपी में आप लिखोगे ऐसा, इट इज स्वीट। तो ये तो कोड बढ़ गया ना, कोड बढ़ गया, लेकिन आप ये सोचो डुप्लीकेशन रिड्यूस हो जाएगा ना, फिर आपने एप्पल बनाया, ठीक है, इससे इसके साथ में दूसरा बना दो, क्लास पाइनएप्पल, क्लास ये, तो एवरी, क्योंकि अब इसको एक्सटेंड करोगे ना, एक्सटेंड करेंगे ना, तो कॉमन प्रॉपर्टीज हमने एक ही क्लास में डाल दी ना, डिफाइन कर दी ना, तो डुप्लीकेशन कम हो जाएगा ना, मेन चीजें रिड्यूस हो गई, क्योंकि ये अभी क्या है, बेस सुपर क्लास में भी है। अब मुझे व्हीकल से अगर यहाँ पे एक्सटेंड करना हो, एप्पल, सॉरी फ्रूट से, राइट, अगर एप्पल बनाना होगा तो मैं बना सकता हूँ, राइट, मैं सुपर क्लास का यूज करके, कोई भी सुपर क्लास का यूज कर दिया, जैसे लिख दिया व्हीकल, राइट, अब समझो इसके अंदर कार भी है, एक्सटेंड की हुई है, व्हीकल वी इज इक्वल टू न्यू कार,
वहां से बना सकता हूँ ना मैं, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, सुपर क्लासेस सारे के सारे एक्सटेंड कर सकता हूँ कि नहीं, तो मुझे सोचना नहीं पड़ेगा सारी डेफिनेशन, फिर कार का बिहेवियर सारे उस व्हीकल में आ जाएंगे। फिर ऐसे ही फ्रूट ए इज इक्वल टू न्यू एप्पल, फ्रूट बी इज इक्वल टू न्यू बनाना, राइट। एक ही क्लास से मैं सारे फ्रूट डिक्लेयर कर पाऊंगा, डुप्लीकेशन रिड्यूस होएगा, लेकिन देखो फंक्शनली कैसे बिहेवियर अलग अलग हो जाएगा ना, कि वी व्हीकल है तो उसका बिहेवियर कार से आ रहा है, ठीक है, एच व्हीकल है उसका बिहेवियर होंडा से आ रहा है, ओके, एस व्हीकल है उसका साइकिल से आ रहा है, तो व्हीकल के ऑब्जेक्ट सारे बनते जा रहे हैं, राइट। क्या हो रहा है इसे, एब्स्ट्रैक्शन का ये फायदा हो गया, राइट। अब समझो इसको, थियोरी में पढ़ते हैं और फिर इसको ज्यादा समझेंगे, डाउट आएंगे। तो देखो क्या लिखा है, अ क्लास इन विच विद द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा, इट कैन विच हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब जैसे मैंने बोला क्लास है, राइट, इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, दोनों हो सकते हैं, राइट। अब क्या है यहाँ पे, क्या लिखा है, बिफोर लर्निंग द जावा एब्स्ट्रैक्ट, लेट्स अंडरस्टैंड द एब्स्ट्रैक्शन इन जावा। होता क्या है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है समझो, एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड शोइंग ओनली फंक्शनलिटी टू द यूजर। अब इसका भी एक जोरदार एग्जाम्पल है, कैसे एग्जाम्पल दूं मैं आपको, कैसे एग्जाम्पल दूं, एक एग्जाम्पल, ओके लेट्स हैव वन मोर एग्जाम्पल, चलो क्योंकि अभी देखो आप एब्स्ट्रैक्शन सीख रहे हो, अभी तक आप इंटरफेस नहीं सीखे हो, ठीक है। ये एग्जाम्पल जो मैं देने जा रहा हूँ एक्चुअली इंटरफेस के रिलेटेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसमें। अब इंटरफेस में क्या होता है, इंटरफेस में सब कुछ होता है एब्स्ट्रैक्टेड फंक्शंस है खाली, राइट। इंटरफेस इज ओनली, ये हम क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि आगे हमें इंटरफेस सीखना है, उसमें सारे मेथड जो है एब्स्ट्रैक्टेड होंगे। अब यहाँ पे ये समझ लो क्या दिक्कत बताया क्या जा रहा है, एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड शोइंग ओनली द फंक्शनलिटी टू द यूजर। अब आप समझाओ कि आपको कुछ चाहिए, you are an end user and you need something, आपको कुछ चाहिए, फॉर एग्जाम्पल लेट मी से क्या, आपको गाड़ी खरीदनी है, राइट, आप टू व्हीलर खरीदने जा रहे हो, तो आप क्या क्या देखते हो उसमें, यू विल बी लुकिंग द फंक्शनलिटी, आप देखो ना गाड़ी के फीचर्स क्या है, यही सोचोगे, है ना, कि इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स है जरा बताओ, तो फीचर्स आपको बताए जाते हैं आपको, अगर आपको लगे भाई नहीं यार ये फीचर नहीं है इसमें, इसमें ब्लूटूथ नहीं है तो मेरे को नहीं चाहिए, इसमें ब्लूटूथ होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो आप अपनी डिमांड रखोगे ना, राइट। आप क्या बोलोगे, यार ये सब फीचर ऐसे हैं लेकिन मुझे इसमें ब्लूटूथ भी चाहिए, राइट, मुझे यहाँ पे GPS भी चाहिए, राइट, तो आप क्या करोगे, नहीं यार इस गाड़ी को छोड़ो, फिर मैं ऐसी गाड़ी अगर नहीं है तो बोले किसी से कस्टमाइज करवाऊंगा मैं, कस्टम गाड़ी आती है ना, मैं किसी से कस्टमाइज करवाऊंगा, होती कि नहीं होती। तो अब एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, अब आपने गाड़ी, चलो बोले किसी को बोला कि आपने बोला कि यार मुझे ब्लूटूथ वाली गाड़ी बना के दो, तो वो क्या बोलेगा, ओके मैं बना के दे दूंगा, समझना, आप उसको बना के दो बोल रहे हो तो आपको वो बना के दे रहा है गाड़ी, समझो। तो अब आपको क्या दिया जा रहा है कि आपको ब्लूटूथ इनेबल गाड़ी दी जा रही है, ऐसा ही हुआ, राइट। क्या वो आपको बताएगा कि उसने ब्लूटूथ उसमें कैसे इम्प्लीमेंट किया, बताएगा, समझ में आ रहा है, नहीं बताएगा ना। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, वो आपको ये नहीं बताएगा कि उसमें वो ब्लूटूथ कैसे इम्प्लांट किया या इम्प्लीमेंट किया, राइट। तो इस तरह से वो क्या करेगा, पहले आपकी रिक्वायरमेंट का ऐसे डिक्लेयर कर देगा, भाई अच्छा मुझे ये व्हीकल है इसके अंदर ब्लूटूथ भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, क्लास डिक्लेयर कर लेगा, तुम्हारी सारी रिक्वायरमेंट नोट करके लिख देगा कि ये फंक्शनलिटी, ये फंक्शनलिटी, ये फंक्शनलिटी। अब उसमें से कुछ फंक्शनलिटी सभी व्हीकल में होती है, कुछ कुछ इसकी स्पेशल में होगी, तो जो जो स्पेशल में होगी वो उस स्पेशल में जाके डिफाइन करेगा, समझ रहे ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। इस तरह से वो डिफाइन करता जाएगा, इम्प्लीमेंट करता जाएगा। तो हम ये क्या करते हैं, कुछ भी नया डेवलप करते हैं ना, कि समझो कि पहले व्हील आया, व्हील के बाद साइकिल आई, साइकिल के बाद टू व्हीलर आया, टू व्हीलर के बाद थ्री व्हीलर, थ्री व्हीलर के बाद फोर व्हीलर आए, ऐसे आए ना, ऐसे गाड़ियां बढ़ती गई। तो बेस क्लास तो क्या हुई, व्हील, व्हील में हमने थोड़ी सोचा साइकिल बनाएंगे, लेकिन व्हील बना लिया, फिर आया एक्सटेंड कर रहे हैं, तो भाई साइकिल बना लिया, एक्सटेंड कर दिया उसको, एक्सटेंड किया ना। अब जब साइकिल सोची गई, उस समय सोचा था टू व्हीलर आएगी, अगर सोचा होता, राइट, तो उसमें हम क्या करते हैं भाई, हाँ चलो इसमें एब्स्ट्रैक्टेड मेथड डालते हैं, राइट, बाद में एक्सटेंड किया, लेकिन अभी तो हम बहुत कुछ सोच सकते हैं, इम्प्लांट कर सकते हैं ना, एक्सटेंड करते 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 आगे हैं, तो अभी हमें यहाँ क्या, एक आइडियाज को इम्प्लांट करते हैं पहले ही क्लास के अंदर, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल नहीं डालेंगे,
राइट ओनली फंक्शनलिटी बताई डिक्लेयर की जाएगी, डिक्लेयर डिफाइन भी नहीं, ठीक है. अनदर वे इट शोज ओनली द एसेंशियल थिंग्स टू द यूजर एंड हाइड्स द इंटरनल डिटेल्स. राइट अब देखो यहाँ एग्जाम्पल क्या है, सेंडिंग SMS वेयर यू टाइप द टेक्स्ट एंड सेंड द मैसेज, यू डोंट इंटरनल प्रोसेसिंग अबाउट द मैसेज डिलीवरी. राइट आप तो मैसेज टाइप करके भेज देते हो, ये प्रोसेस कैसे हो रहा है? अरे भाई यूजर को नहीं दिख रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, खुद अपना टास्क बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? यहाँ पे समझो कि अगर आपने सारे फंक्शन डिफाइन और डिक्लेयर कर दिए, अभी तो आप एक ही क्लास की बात कर रहे हो, दो क्लास की बात कर रहे हो. अभी एक एग्जांपल आगे आएगा जब अभी हमने इनहेरिटेंस कैसा सीखा है, सिंगल लेवल मल्टी लेवल मल्टीपल. अब मुझे यहाँ पे सॉरी मल्टीपल नहीं, सिंगल लेवल मल्टी लेवल एंड हायरार्की. अगर मुझे मल्टीपल इनहेरिटेंस करना होगा तो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, हवा में है ही नहीं. राइट हम एब्स्ट्रैक्ट इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि अभी इंटरफेस यूज करेंगे जिसमें हमारा ये मल्टीपल इनहेरिटेंस भी आएगा, समझे, जिसके अंदर हमको बहुत सारी क्लासेस ऐसी होंगी जो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी लेकिन विदाउट नोइंग टू ईच अदर. तो इसके लिए हम इम्प्लीमेंट करेंगे इंटरफेस. इंटरफेस के लिए एब्स्ट्रैक्शन ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, इसका बिहेवियर क्या है, इसको क्या है, वो जानना जरूरी है, अदरवाइज आगे कंसेप्ट नहीं समझ पाओगे आप, ठीक है. देखो अब ये क्या चीज है, देखो एब्स्ट्रैक्शन लेट्स यू फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट डज नॉट इंस्टीड हाउ इट डज इट. देखो ये क्या चीज है, अब देखो वेज टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन, देर आर टू वेज टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन. देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास 0 से 100%, अभी आप देखो ये क्लास बनाया आपने, अब ये है ही नहीं, चलो आपने नहीं किया तो भी आपने कहा कि भाई हाँ एब्स्ट्रैक्टेड तो है, क्योंकि मैं यहाँ अगर प्राइवेट लिख दूंगा तो ये एब्स्ट्रैक्टेड तो हो गया. राइट ये मैंने प्राइवेट लिख दिया तो ये एब्स्ट्रैक्शन तो हो गया, इसमें हो गया ना. अब ये एब्स्ट्रैक्शन होने के बाद मेरे लिए क्या हुआ, लेकिन इसमें क्या है 0% से 100% बोला ना क्लास के लिए, तो क्लास कैन बी 0% से 100% एब्स्ट्रैक्ट, लेकिन व्हेन इट से इंटरफेस इट इज 100% एब्स्ट्रैक्टेड. अभी आपके सवाल का जवाब देखो यहाँ मिल गया, मतलब ये कि इसमें कोई एब्स्ट्रैक्शन है ही नहीं. नहीं तो 0% एब्स्ट्रैक्शन हुआ ना भाई, लेकिन फिर हमने इसमें प्राइवेट लगा दिया, अगर हमने यहाँ प्राइवेट लगा दिया तो मैंने क्या किया, इसको हाइड कर दिया कि नहीं कर दिया ऑब्जेक्ट से, तो ये हिडन है लेकिन ये हिडन नहीं है, समझ में आ रहा है ना, ये हिडन पार्ट हो गया और ये विजिबल पार्ट हो गया, तो सम परसेंटेज वो हुआ ना, 100% नहीं हुआ, सम परसेंटेज हुआ कि नहीं हुआ, तो ये भी तो एब्स्ट्रैक्शन है ना. ओके लेकिन जैसे मैंने यहाँ एब्स्ट्रैक्ट लगा दिया ओके तो ये 100% हो गया. राइट और साथ में इसमें एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगाया तो इसका पार्ट राइट यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लगा के दूसरा फंक्शन दे लिया, ठीक है. लेकिन जब इंटरफेस हम बनाते हैं, जब हम इंटरफेस बनाएंगे इट विल बी टोटली 100% एब्स्ट्रैक्शन, 100% एब्स्ट्रैक्शन होगा, लेकिन वो अभी है नहीं. अब देखो इसमें एब्स्ट्रैक्टेड रखा है और एक बिना उसके रखा है, ठीक है. कुछ होगा ही नहीं उसका, क्योंकि अगर आपने उस क्लास को बनाया और उसको डिक्लेयर नहीं किया. ओके नाउ क्या है यहाँ पे, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट बी डिक्लेयर्ड विद इन एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड. राइट तो जैसे मैंने बताया यहाँ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना पड़ेगा हमें. ओके इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये भी दिखा दिया आपको दोनों. ओके इट कैन नॉट बी इंस्टेंटेनियस, वो भी देख लिया हमने. इट कैन हैव कंस्ट्रक्टर्स एंड स्टैटिक मेथड्स ऑल्सो, इट कैन है, यस राइट कैन है. क्या बेटा एक्सटेंड तो होगा ही ना आगे, एक्सटेंड नहीं होगा कंस्ट्रक्टर एक्सटेंड, तो कंस्ट्रक्टर इसलिए तो चाहिए ना. राइट देखो इट कैन हैव, इट्स नॉट इट विल हैव, इट कैन हैव, समझो शब्दों को. इट कैन हैव फाइनल मेथड्स व्हिच विल फोर्स द सब क्लास नॉट टू चेंज द बॉडी ऑफ द मेथड, ये भी हो सकता है. फाइनल मेथड जिसको चेंज ना करे, कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, कॉन्स्टेंट रिक्वायरमेंट को मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ, इसके अंदर फाइनल मेथड डाल दिया भाई यही होना चाहिए, ठीक है ऐसा. राइट अब आगे देखते हैं क्या है इसमें. एग्जांपल देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए दे दिया उन्होंने, ये क्लास हो गया.
अ मेथड इज विच इज डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट हैव इम्प्लीमेंटेशन इज नॉन एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड. अभी हमने देखा कि ये हमने एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा था, खाली वॉइड प्रिंट स्टेटस की तरह हमने खाली डिक्लेयर कर दिया था, हमने एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा था ना, तो देखा था ना एरर आया था. तो इट इज नॉन एज एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड. ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड देखो क्या है. ठीक है, इन दिस एग्जाम्पल बाइक इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास दैट कंटेन्स ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड रन. इट इम्प्लीमेंटेशन इज प्रोवाइडेड बाय द होंडा क्लास. देखो क्या दिया है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बाइक, बाइक है तो रन करेगी. तो देखो क्लास होंडा 4 बनाया, एक्सटेंड किया इसने बाइक को. अब इसके अंदर वॉइड रन की डेफिनेशन आ रही है, सिस्टम डॉट रनिंग सेफली. ठीक है, अब यहाँ देखो बाइक का ऑब्जेक्ट बनाया, समझ में आ रहा ना, बाइक का ऑब्जेक्ट बनाया. अब इसके देखो ये सुपर क्लास से बना रहे ना, क्या है भाई, होंडा 4, ये होंडा बनाया. ऐसा भी कर सकते ना, क्यों नहीं कर सकते. अरे यार मेरे को बताओ, यहाँ मैंने बहुत सारी बाइक होंडा की तरह और भी बहुत कुछ बनाया, होंडा बनाया, एक्टिवा बनाया, एक्सेस बनाई, राइट. अब मैं कौन सी बाइक बनाना चाहता हूँ, यहाँ बता दिया ना भाई, न्यू होंडा दो, न्यू एक्टिवा दे दो, न्यू ये दे दो, तो सारे के सारे क्लासेस एक्सटेंड कर एक्सेस कर ही सकता हूँ ना विद द सुपर क्लास. समझ में आ रहा है, फिर उसकी क्लास की फंक्शनलिटी इस क्लास की फंक्शनलिटी इस ऑब्जेक्ट में आ जाएगी ना. समझ में आ रहा है, स्टूडेंट है राइट, स्टूडेंट डिक्लेयर कर दिया, नाम नाम फंक्शन दे दिया हमने सबको, तो नाम सबका एक ही होता है क्या, नहीं. फिर दूसरा कुछ करेंगे भाई, क्लास 10 स्टूडेंट एक्सटेंड करो स्टूडेंट, तो क्लास 10 के नाम हम यहाँ बोल सकते हैं ना. ऐसे क्लासेस है, बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा, जहाँ कॉमन बिहेवियर आते हैं ना, कॉमन बिहेवियर याद रखो, ये कॉमन बिहेवियर है ना कि सारी की सारी जो बाइकें हैं वो रन तो करेंगे ना, तो कॉमन बिहेवियर की बात कर रहे हैं ना. लेकिन कॉमन बिहेवियर में उनके भी थोड़ी बहुत चेंज, भाई ये रनिंग सेफली, रनिंग स्पीडी, रनिंग दिस वो, भाई ये बाइक है तो नॉर्मल चलेगी, कार है तो रेसिंग कार बनाया, तो वो भी तो एक तरह से व्हीकल का होगा राइट. दूसरा बाइक रेसिंग बाइक ले लिया, रेसर ले लिया, रनिंग वेरी फास्ट, सबके अलग अलग बिहेवियर के हो जाएगा ना, फंक्शनलिटी बदल जाएगी. अंडरस्टैंडिंग द रियल सिनेरियो ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, देखो इन दिस एग्जाम्पल शेप इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज प्रोवाइडेड राइट बाय द रेक्टेंगल एंड सर्कल क्लास. देखो अब शेप है, अब दो है, यहाँ रेक्टेंगल भी है सर्कल भी है, तो दोनों शेप है, तो दोनों इम्प्लीमेंट करेंगे. देखो कैसे एब्स्ट्रैक्ट को, देखो मोस्टली वी डोंट नो अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन क्लास विच इज हिडन टू द एंड यूजर एंड एन ऑब्जेक्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन क्लास इज प्रोवाइडेड बाय द फैक्ट्री मेथड. देखो ध्यान से वही बात निकली, अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लास हिडन टू द एंड यूजर, आपको पता ही नहीं है ना, जो हमने मैंने आपको डिस्कस किया इम्प्लीमेंटेशन सबसे, एंड ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइडेड बाय द फैक्ट्री मेथड, यानी क्लास के थ्रू इम्प्लीमेंट, फैक्ट्री इज व्हाट, क्लास के ना थ्रू. देखो अ फैक्ट्री मेथड इज अ मेथड दैट रिटर्न्स एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास, वी विल लर्न अबाउट द फैक्ट्री मेथड लेटर. जनरली फैक्ट्री का मतलब मैं बता चुका हूं, इसे क्लास मेथड. ठीक है, इन दिस एग्जांपल ये भी कह सकते हो, लेकिन इसका डिटेल में मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, इसका एग्जांपल के साथ डिस्कस करूंगा, अभी हम एब्स्ट्रैक्ट पे फोकस डिस्ट्रक्ट हो जाएगा हमारा फिर. ठीक है, इफ यू क्रिएट अ इंस्टेंस फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल क्लास राइट, ड्रॉ एक मेथड है जो रेक्टेंगल में भी है, इसमें भी आ सकता है और सर्कल में भी आ सकता है. तो अब ध्यान से देखो, शेप बनाया, एब्स्ट्रैक्ट नाम दे दिया, इसमें फिर ड्रॉ करके मेथड दिया. अब ये देखो शेप को एक्सटेंड किया जा रहा है रेक्टेंगल द्वारा और शेप को एक्सटेंड किया जा रहा है सर्कल द्वारा, तो ये हायरार्की इनहेरिटेंस हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना. तो इसके अंदर देखो क्या है भाई, ड्रॉइंग रेक्टेंगल, ड्रॉइंग सर्कल, सेम फंक्शन दोनों में ओवरराइड किया गया. अब हम शेप से फंक्शन, अब देखो शेप एस किया, ठीक है, इसमें न्यू सर्कल किया, अब यहाँ शेप से बनाया सर्कल, तो एस डॉट ड्रॉ. तो देखा जाए तो टेक्निकली हम पॉलीमॉर्फिज्म भी कर रहे हैं. अगर मैं इसके नीचे दोबारा लिखूं शेप एस इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल, तो पॉलीमॉर्फिज्म भी हो गया ना, कि रीयूजेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है ना. ऐसा अनदर एग्जाम्पल देखो, एक बैंक दिया है राइट, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात हो रही है, तो अब SBI बैंक को एक्सटेंड कर रहा है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 है, PNB का 8 है. देखो बैंक बी न्यू SBI रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो लो वही एग्जांपल नीचे आ गया, रीयूजेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया ना, बी अभी SBI का आ गया, अब बी से PNB आया. देखो वही एग्जाम्पल जो मैं डिस्कस कर रहा था, वही चीज आ गई कि रीयूजेबिलिटी यानी पॉलीमॉर्फिज्म काइंड चीज हो रही है यहाँ पे. Having constructor, data member and method. अब देखो क्लास जिसमें constructor भी हो, data method भी हो, कैसे होंगे. देखो अब ये bike ले लिया, अब ये देखो bike is created. Abstract में constructor दे दिया, bike is created, right? अब साथ में देखो इस bike का method भी दिया है run.
राइट, ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये नॉन एब्स्ट्रैक्ट है, चेंज गियर, गियर चेंज है ना, चेंज गियर करके यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे एक क्लास एब्स्ट्रैक्ट है, उसका कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसका पूरा डेफिनेशन भी दिया हुआ है, समझने की कोशिश कर रहा, राइट। अब इसका जो है बाइक को कहीं ना कहीं एक्सटेंड करना पड़ेगा, देखो उसने क्या किया, क्लास होंडा एक्सटेंड बाइक, अब होंडा, अब टेक्निकली होंडा में क्या क्या आ गया, अगर हम बात करें तो होंडा में रन भी है, चेंज गियर भी है, लेकिन चेंज गियर तो यहाँ से डिफाइन किया हुआ है ना, अगर मैं ओवरराइड नहीं करता हूँ तो भाई यहाँ पे इसमें ओवरराइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि है ऑलरेडी, ठीक है। तो होंडा का यहाँ पे लिखा है रनिंग सेफली, अब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट बना रहे हो यूजिंग बाइक क्लास और बना रहे हो होंडा का, देखो बाइक ऑब्जेक्ट न्यू होंडा, ठीक है, हाँ। तो ऑब्जेक्ट डॉट रन, तो क्या हुआ, कौन सा कॉल का, यहाँ पे आया होंडा का रन, रनिंग सेफली। अब देखो ऑब्जेक्ट डॉट चेंज गियर कहाँ से, इसमें तो है ही नहीं चेंज गियर, तो यहाँ से आया कि नहीं, समझ में आ रहा है, राइट। देखो इस तरह से ये बन रहा है, लिंक हो रहा है, तो बाइक इज क्रिएटेड रनिंग सेफली, गियर चेंज। अब आप कंसेप्ट समझो, कहाँ इंप्लीमेंट करोगे खुद सोचना है आपको, ये चीजें टेक्निकली समझ में आनी चाहिए। अनिशा शेव समझ में आ रहा है? आ रहा है ना, तुम अनिशा की तुम्हारी आवाज कट गई, कुछ कट कट के आ रही है, ओके ओके चलो। Now, if there is an abstract method in class, that class must be abstract. अगर आपने देखो जो मैंने बताया abstract method लिखा, लेकिन यहाँ abstract नहीं लिखा, तो अभी थोड़ा शुरू शुरू में डेमो दिया था मैंने आपको कि वो automatically abstract class हो जाएगी, error देगी। Now, if you are extending an abstract class that has an abstract method, you must either provide the implementation of method or make this class abstract. वो भी मैंने आपको बताया, देखो यहाँ example दिया है, right? यहाँ पे abstract class can also use to provide some implementation of the interface. देखो अभी interface हमारा समझना बाकी है, मैंने क्या बोला वो समझना बाकी है। In such case, the end user may not be forced to override all the methods of the interface. Right? Forced का मतलब आप end user उसको change कर ही नहीं सकता कुछ भी, हमें वो final ही रखना है जो वो समझेंगे interface में। देखो जहाँ पे example दिया है interface A, right? ये class की तरह ही declare किया जाता है, ठीक है, void a, void b, void c, void d, ये क्या हो गए, चार methods unimplemented, abstracted method हुआ एक तरह से, हमने क्यों कहाँ define किया, इसकी body दी है ना खाली, कहाँ दिया, abstract तो लिखा ही नहीं है, तो मैंने बताया ही था पहले भी, अगर आप नहीं लिखोगे तो what it considered by default, पर वो भी error तो देगा ना, अरे भाई लेकिन अगर मैं properly इसके लिखूंगा और abstract की तरह ही behavior इसका आगे consider, लेकिन जब आप object बना रहे हो तब error आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट बनाते समय एरर आ रहा है ना, अब इसका मैं ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाऊंगा और मुझे पता है कि एब्स्ट्रैक्ट है, अगर आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तभी एरर आया था ना बच्चे, उधर हटा था ऑब्जेक्ट, लो ये अभी हमने देखा था, अभी तो आपको दिखाया कि ये मैंने डेमो ये देखा है, देखो ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये तो एरर इसमें कुछ नहीं, अरे कुछ भी नहीं, देखो ना ये डायरेक्टली ये देखो ना, ये कुछ डिक्लेयर किया, वो क्लास के से एब्स्ट्रैक्ट हटा दो, इसमें से भी हटा देता हूं, लो राइट कंपाइल करते हैं, देखो देखो नहीं, क्या ऑब्जेक्ट हटा दूं, तो बेटा क्या मतलब, कहना क्या चाहते हो, ऑब्जेक्ट भी हटा दूं करूंगा क्या, अभी वॉइड का भी तो फायदा क्या, तो फायदा क्या, बट क्या लेकिन क्या करूं इसमें मैं, तो भाई मुझे कहीं इसको लिंक करके कहीं तो इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, क्या मतलब ये कुछ मतलब ही नहीं हुआ ना, तो अभी मैं यहाँ पे डेमो डी लिख रहा हूँ और मुझे कहीं तो इधर बताना पड़ेगा ना कि भाई ये एब्स्ट्रैक्ट लिखो, बाय डिफॉल्ट नहीं तो होते हैं, देखो अब यहाँ पे लिखा है एब्स्ट्रैक्ट तो बोलेगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखो, तो ये बता रहा है कि हमें देखो ये चीज हो गई, आपने ऑब्जेक्ट बनाया नहीं, तो इंटरफेस में तो नहीं लिखा, हाँ इंटरफेस में तो, वही तो बता रहा हूँ कि थोड़ा सा इंटरफेस तुम्हारा बाकी है यार, हाँ इंटरफेस मैंने क्या बोला, इंटरफेस समझना बाकी है, राइट। ये देखो दो चीजों में कंफ्यूज हो रहे हो आप, एब्स्ट्रैक्ट का बिहेवियर या एब्स्ट्रैक्शन जो होता है जब हम इंटरफेस इंप्लीमेंट करेंगे उसमें सारे के सारे खाली मेथड ही डिक्लेयर किए जाएंगे, प्रोटोटाइप ही होगा, डेफिनेशन कुछ भी नहीं होगी इंटरफेस में, इंटरफेस इज ओनली एन इंटरफेस जिसमें फंक्शनलिटी डिक्लेयर है, नथिंग इज डिफाइंड ओवर देयर,
अब उसका काम क्या है वो समझाऊंगा बाद में। टीवी का रिमोट लाते हो, टीवी का रिमोट क्या है, इंटरफेस है, आपको पता नहीं है लेकिन टेक्निकल समझे वो आपका इंटरफेस है। अब उसके अंदर सारी फंक्शनलिटी आपको पता है कि उसके अंदर क्या है, आपसे सब छुपाया गया है ना, काइंड ऑफ थिंग। इसी तरह से वो इम्प्लीमेंटेड है खाली, इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी इम्प्लीमेंट कर रहा है ए इंटरफेस को। देखो इसने क्या लिखा है, आई एम सी। अब देखो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो ये सी को इम्प्लीमेंट किया इसने, ठीक है। फिर एम एक्सटेंड कर रहा है बी को, आई एम ए, आई एम डी, आई एम बी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ए का नया ऑब्जेक्ट ला रहे हैं, आई एम ए बी सी, यहाँ देखो डी कैसे हुआ, क्लास टेस्ट फाइव। अब आप ए का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, देखो ये ए इंटरफेस है, इट एक्स लुक्स लाइक अ क्लास ओनली, लुक्स लाइक अ क्लास ओनली, लेकिन है क्या चीज, खाली इसके अंदर मेथड है, ठीक है। अब इंप्लीमेंट किया, राइट, कैसे किया, क्लास बी। अब ये देखो टेक्निकली देखा जाए एक्सटेंड नहीं है, एक्सटेंशन नहीं है इसको, एक्सटेंड होता तो इनहेरिटेंस होता, टेक्निकली ये भी इनहेरिटेंस है लेकिन इसका रिलेशनशिप अलग काइंड ऑफ है। क्लास नहीं, इससे ओनली ये वही है ना, डिफाइन नहीं करेंगे, डिक्लेयर ओनली, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन अभी सीख रहे हैं ना, खाली डिक्लेरेशन। ये क्या किया है, डिक्लेयर ना, डिफाइन कहाँ किया है, बी के अंदर सी को डिफाइन कर दिया। और यहाँ एम अगेन देखो, एम अभी एक्सटेंड कर रहा है बी को, तो एम के अंदर ए बी और डी डिफाइन किया। अब क्लास फाइव में ए से ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है, एम का इसका बनाया जा रहा है, तो टेक्निकली एम के अंदर ए बी भी आ गया, सी बी भी आ गया, डी भी आ गया, और किससे इम्प्लीमेंट हो रहा है, ए इम्प्लीमेंटेशन से, देखो ए से हो रहा है, इंटरफेस से हो रहा है, ए इंटरफेस। इसको पता भी नहीं है ए बी सी डी का क्या रोल होगा, ये क्लास के अंदर डिफाइन किया हुआ है, सब कुछ छुपाया गया ना इधर, इसको पता है कि क्लास में क्या लिखा गया, क्लास के बिहेवियर में उसके कौन से एनिमल से कौन सा बन रहा है ना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं एंड यूजर से छुपाई जाएंगी, उसको कुछ बताया नहीं जाएगा, सब कुछ छुपाया जाएगा। तो यहाँ ए से ए, इससे इस इंटरफेस के हमने ए को कॉल किया, बी और सी को, डी को कॉल किया। देखो ये छोटा सा डेमो दिया, अब इसके बाद जो है हमारा वो यही चीज आने वाली है कि इंटरफेस क्या है, लेकिन अभी जो मैंने बताया आपको पूरा का पूरा ये जो था समथिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यहाँ मैंने आपको पूरा का पूरा एब्स्ट्रैक्शन बताया। अभी आपके सवाल हैं तो पूछो। हाँ अब वो इंटरफेस आएगा जब मैं बताऊंगा। अभी देखो कुछ सवाल ऐसे भी आएंगे जो आपके जवाब उसके आपको इंटरफेस में समझ में आएंगे, जब आप इंटरफेस समझोगे तब आपको ज्यादा क्लियर आएगा। एब्स्ट्रैक्ट का खाली आपको ये समझना है, मैंने क्या बोला, खाली ये याद रखना है कि जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हो तो उसका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना पाओगे, आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हो, इंस्टेंटिएट नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखते हो तो डेफिनेटली वो आपका ऑटोमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया है, लेकिन उसको एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये सिंटेक्स थोड़ा सा याद रखना है भाई। तुम लोग को हुआ शैव अनिशा समझ में आ गया, कोई सवाल है तो पूछ लो। इसका प्रैक्टिस के लिए तो अभी दिया ही नहीं है, इंटरफेस में चलाऊंगा तब प्रैक्टिस समझ में आएगा। हाँ सर, मतलब उस टाइम पे कोई क्वेरी आए तो पूछेंगे। चलो ठीक है, अभी तो समझ आ गया। चलो ठीक है, ओके।